सुबह उठी और आज ईद का पहला दिन है और मैं अभी तक सो रहा हूँ। और नहीं, अभी हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने, और फजर की नमाज़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने ईद के लिए क्या क्या सोच रखा है, क्योंकि ये आप लोग सब जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट 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 व्लॉग है, और मैं आज के व्लॉग में क्या क्या करने वाला हूँ ये सब चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊँगा कि मेरी ईद के फर्स्ट डे की क्या क्या रूटीन होती है। अब मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने, वरना नमाज़ अगर मेरी निकल गई तो मेरे अब्बा ने मेरी लाश बना देनी है। ओके, अब हम आ गए हैं नमाज पर ये अब हम करेंगे ईद की नमाज की तैयारी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ईद की तैयारी के लिए मेरे पास कौन कौन से ड्रेसेस हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे कि आज के दिन मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। चलो मैं आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रेस है वो है वाइट, मुझे वाइट पहनना चाहिए। फॉर ये वाला कलर भी नहीं, ये पहना हुआ प्यारा लगेगा। इसके साथ वाइट कुर्ता है और वाइट शलवार वाला है, लेकिन नहीं ये भी नहीं, ये भी मैंने कितने सारे वाइट कुर्ते वाले सिलवा दिए हैं, ये भी सूट लगेगा तो प्यारा, लेकिन ये भी नहीं है। थोड़ी मुझे कुछ ऐसा पहनना है जो भाई मैं सबसे अलग दिखूँ, वैसे सूट किसी ने भी ना पहना। ये भी मैं क्या करूँ, मैंने ईद के सूटों के अंदर मुझे कोई भी ऐसा सूट नहीं लग रहा जो मुझे सिलवाना, मैं आज पहनूँ। तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। कौन सा सूट मैं पहनूँ, कोई भी ऐसा सूट नहीं है जो मैं अब पहनूं, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये वाइट सूट है, लेकिन मैं आज नहीं पहन सकता इस सूट को, ये वाला कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये वाला कुर्ता लेकिन प्यारा है, लेकिन नहीं मैं, ये भी लग तो प्यारा रहा है, लेकिन नहीं। Oh God, please, no! कुछ और मुझे ट्राई करना होगा जो मुझे आज के दिन पहनना चाहिए। टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, और चलो देखते हैं कि मेरे पास और क्या निकलता है पैसे के लिए। इस गन के टोकने में से कुछ तो ऐसा निकल आएगा जो मुझे आज के दिन पहनना चाहिए। कहाँ है गन के टोकने भाई, मैं आज ईद के दिन वो सूट पहनूंगा जो मुझे, हाँ इस शॉपर के अंदर हो सकता है मुझे कुछ ऐसा निकल लाए जो मुझे आज के दिन पहनना हो चाहिए। ये सूट भी नहीं, रिजेक्टेड, ये सूट वैसे रिजेक्टेड, रैक तो बिल्कुल भी नहीं, ये सूट वैसे रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, कोई भी ऐसा सूट नहीं निकला किसी भी चीज़ के अंदर जो मैं पहन। ए फ्यू मिनट्स लेटर, मैं बाइक के लिए सिर्फ 15 मिनट है और मैं अभी तक ड्रेस ही नहीं सूट बदला रहा। मेरे बाप ने मुझे 5 दफा आवाज दे चुकी है, मेरे ख्याल से मुझे ये वाली ड्रेस पहननी चाहिए। अपने ने अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ईद की नमाज पढ़नी है, ईद की नमाज के बाद हम कर लेंगे ड्रेस चेंज। मैं कहता हूँ ये नहीं, ये भी नहीं है, वो जो कुछ ऐसा ड्रेस चाहिए, क्या करूँ ये, क्या करूँ। 15-20 मिनट्स लेटर, कोई नहीं, मैं नमाज ऐसे भी पढ़ने जाऊँ, लेकिन ईद का मौका है, मैं कुछ जानूँ, कुछ ज़्यादा ज़्यादा डैशिंग कोई चीज़ हो। हाँ क्या कर सकते हैं, हाँ मुझे भी डैशिंग नहीं मिल रहा।
मिल गया, ये ड्रेस मैं पहनूंगा ईद की नमाज के लिए। अभी मैं 5 मिनट के अंदर किया और पहन के आ गया। भाई बहुत सारे हमने सूट ट्राई किए लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट यही सूट मुझे लगे। अब मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज पढ़ने, ईद की नमाज के बाद पढ़ के आएंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आज मेरी क्या रूटीन है ईद के पहले दिन की। अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो भाई अब हम आ गए नमाज पढ़ के। भाई बात बहुत आज गर्मी है, जो भी आज है बड़ा एहतियात करके जाए। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सर पे कैप रखें, मुंह पे रुमाल रखें ताकि आपको गर्मी ना लगे। पूरे घर वालों से ईद मुबारक मिलने के बाद अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास। अब भाई आज की रूटीन के बारे में मैं आपको लम्हा लम्हा खबर की रखूँगा, लेकिन अभी तो मुझे आ रही है बहुत ज़ोर की नींद। अब मैं डर के चुप करके सोऊंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ए फ्यू मिनट्स लेटर, 3 बज रही है और अभी तक कोई नामा निशान नहीं है गर्मी कम होने का। गर्मी की वजह से ये मीटर भी हमारा टन 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 ख़राब होने लग गया है। ओए बड़ी गर्मी है बार, तुम देख सकते हो कि ईद के दिन भी इतनी गर्मी है कि जो भी होगा निडाल ही हो जाएगा। उत्तरी खैर, ओह भाई आप देख सकते हो कि बाहर तो बहुत गर्मी है। ये ईद तो मेरे ख्याल से पूरे घर में ही गुजरेगी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते जितनी गर्मी बाहर है। आप सिर्फ घर में बैठ के एंजॉय करेंगे ईद। ये ईद सिर्फ घर के लिए है, बाहर निकलने के लिए नहीं है। ओह तरीखें, लेकिन अगर आप लोगों ने कुर्बानी किया तो आपको तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा गोश्त मांगने के लिए। तो अगर तुम अभी तक घर से नहीं निकले तो तुम्हें भाई ये भूल है कि आप लोग घर से नहीं निकलोगे, तुम्हें घर से ज़रूर निकलना पड़ेगा। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ये अब पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा की करेंगे पार्टी। और अक्सर ऐसे पिज्जा खाने का ईद पे सिस्टम बता।